दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीओ का सीजन तो चल ही रहा है एंड अलग अलग कंपनी जो है आईपीओ लेकर आ रही हैं। अभी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके आईपीओ आ भी बहुत ज्यादा रहे हैं, स्पेशली अगर आप देखोगे रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी में अगर आईपीओ आप देखो तो एक तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, अभी रिसेंटली कुछ आए थे जैसे कि प्रीमियम एनर्जीज आया था, क्या जबरदस्त रेस्पॉन्स उसे मिला था और अच्छा खासा उसने करके दिखाया, मतलब लिस्टिंग गेन भी बहुत दिए, उसके बाद भी उसमें तेजी हुई। अब ठीक है, आईपीओ के बाद थोड़े दिन बाद तो बस खत्म हो ही जाता है, वो अलग बात है। बजाज का आया, बजाज ने अच्छे लिस्टिंग गेन दिए, उसके बाद थोड़ा सा फ्लैट हो गया। अब आईपीओ तो ऐसे आई आते ही चले जा रहे हैं, लेकिन अब एक नया आईपीओ आने वाला है वारी का। वारी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक बहुत बड़ा नाम है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए एंड ये कोई इंट्रोडक्शन की भी जरूरत नहीं है। बेसिकली आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि वारी का जो आईपीओ आने वाला है उसकी डिटेल क्या है, कब आ सकता है, इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, शेयरिंग कोटा। क्या इसमें कोई शेयरिंग कोटा है? जैसे कि वारी की एक कंपनी है मार्केट में ऑलरेडी, तो क्या उसे अगर हम खरीदेंगे तो हमें शेयरिंग कोटा का फायदा मिलेगा? उसके बारे में भी हम जो है कंपनी ने डिस्कस तो करने ही वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको ना पहले कुछ बेसिक डिटेल दिखा देता हूँ, उसके बाद हम बाकी की चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लो कि वारी 3,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ लेकर आने वाला है, और ये अगर देखोगे तो लगभग लगभग पूरा ही फ्रेश इशू होगा, ओएफएस के जरिए आने वाला है, और लगभग लगभग 32 लाख इक्विटी शेयर्स यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन पहले मैं अभी आपको स्क्रीन पर ले जाकर डिटेल्स दिखाऊं, उससे पहले आप ये समझ लो कि शेयरिंग कोटा का क्या चक्कर है। देखो, आप ये सोच रहे हो कि इसका एक ऑलरेडी इसकी एक कंपनी है वारी रिन्यूएबल, वो मार्केट में है, और अगर हम वारी रिन्यूएबल को खरीद लेंगे तो वारी एनर्जी का जो आईपीओ आएगा उसमें हमें शेयरिंग कोटा मिल जाएगा और शेयरिंग कोटा के तहत हम अप्लाई कर पाएंगे। तो देखो, ऐसा तो होने वाला है नहीं। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों? क्योंकि बजाज की कंपनी आई थी तो बजाज के लगे थे, दूसरे बजाज फाइनेंस का था, और भी जब कंपनीज आती हैं तो उनके शेयरिंग कोटा तो लगते ही है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं। क्यों नहीं? मैं आपको बताऊँ, वारी एनर्जी जो अब आईपीओ आने वाला है, ये समझो वारी एनर्जी का जो आईपीओ आने वाला है ये है पेरेंट कंपनी। और शेयरिंग कोटा में पता क्या होता है कि जब किसी पेरेंट कंपनी का सब्सिडरी आती है, जैसे कि बजाज फाइनेंस की सब्सिडरी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, तो जब बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आया तो पेरेंट कंपनी बजाज हाउसिंग, मतलब बजाज फाइनेंस का आपने अगर रखा होता शेयर तो आप पेरेंट कोटा में शेयरिंग कोटा लग जाता, वो पेरेंट कंपनी थी। समझ पा रहे हो? बजाज मतलब अगर पेरेंट कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है तो आपको शेयरिंग कोटा का बेनिफिट मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या चक्कर है पता है? यहाँ पर चक्कर ये है कि वारी एनर्जी जो अब आईपीओ आने वाला है ये पेरेंट कंपनी है, और वारी रिन्यूएबल जो ऑलरेडी मार्केट में है वो एक सब्सिडरी कंपनी है, इसीलिए यहाँ पर शेयरिंग कोटा नहीं है। डीआरएचपी भी जो आया, अगर आप डीआरएचपी भी देखोगे ना तो वहां भी आपको मालूम पड़ेगा कि शेयरिंग कोटा इसमें हो नहीं पाएगा। तो अब आप ये समझ के वारी रिन्यूएबल का शेयर मत भर के खरीद लेना कि वारी का आईपीओ आ रहा है उससे हमें फायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो ये एक बेसिक और एक ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो आपको डेफिनेटली होनी चाहिए, क्योंकि लोग सिर्फ नाम पढ़ लेते हैं कि वारी का एक शेयर है और वारी का दूसरा आने वाला है तो मतलब शेयरिंग कोटा लग जाएगा। हाँ, अगर आपको वारी रिन्यूएबल पसंद है, आपको कुछ उसमें ग्रोथ नजर आती है तो ठीक है, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, फिर मैं उसमें कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन आपको ये सोच के मत खरीदना कि वारी का आने वाला है आईपीओ। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक की बात है, क्लियर हो गई होगी। हाँ, लेकिन अगर मैं आपको आईपीओ की डिटेल दिखाऊं तो देखो आपके सामने है, वारी एनर्जीज आईपीओ लाइकली टू बी लॉन्च इन द मिड अक्टूबर, ऑल यू नीड टू नो। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इसकी जो लिस्ट मतलब लॉन्चिंग जो है वो लगभग अक्टूबर में हो सकती है, बीच में सेकेंड या थर्ड वीक में आपको इसकी लॉन्चिंग जो है देखने को मिल सकती है। तो देखो यहाँ पे लिखा है, द कंपनी प्लान टू रेज 3,000 करोड़ थ्रू अ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर एंड एन ओएफएस ऑफ अप टू 32 लाख इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अब बात यह आ जाती है कि कंपनी का करती क्या है, ये तो आपको मालूम हो गई। कंपनी जो है सोलर पैनल बनाती है, जैसे प्रीमियम एनर्जी आई थी वो भी सोलर पैनल, सोलर मॉड्यूल बनाती थी। तो यहाँ पर लिखा है, द सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चर रिसीव द फाइनल रेगुलेटरी अप्रूवल फॉर इट्स प्रपोज्ड पब्लिक इशू ऑन सितंबर 20। तो यहाँ पर इन्हें सेबी से जो अप्रूवल चाहिए थे वो भी इन्हें मिल चुके हैं, और ये तो आप यहाँ पर देख रहे, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग मतलब पैनल एंड पैनल मॉड्यूल यही कंपनी बनाती है। प्रीमियम एनर्जी का भी यही हाल था, प्रीमियम एनर्जी ने जब अपना डिटेल लेकर आए थे तो उन्हें जब अप्रूवल मिला था ना तभी से एक हाइप बनने लगी थी प्रीमियर के लिए, और जब उसमें देखा था अपने एप्लीकेशन कितनी ज़्यादा हुई, एप्लीकेशन हुई फिर उसमें रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आया, बाद में डबल हो गया वो मतलब आईपीओ।
अब ऐसा नहीं कह सकता कि मैं ये भी डबल हो जाएगा ट्रिपल हो जाएगा, वो तो देखो जब आएगा तब पता चलेगा, अभी तो बहुत ज्यादा डिटेल भी अवेलेबल नहीं है। अभी तो बस इतनी ही डिटेल अवेलेबल है कि आईपीओ आने वाला है, सेबी ने मंजूरी दे दी है, इससे ज्यादा अभी बहुत ज्यादा कोई डिटेल तो अप्रूवल है ही नहीं, बस इतना और पता है कि 3000 करोड़ का आने वाला है आईपीओ। लेकिन ये कंपनी अगर आप देखोगे तो अब अपना पैसा कहाँ यूज करने वाली है, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ पर द कंपनी इंटेंड टू यूज द आईपीओ प्रोसीड्स टू फाइनेंस द एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 6 GW इग्नोट वेफर सोलर सेल सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन उड़ीसा। यहाँ पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उड़ीसा में, वहाँ पर इस पैसे का यूज करने वाले हैं, ये भी आप देख पा रहे हो। तो ठीक है, अगर देखोगे आप ना तो इनकी जो प्लानिंग है वो बेसिकली अपने बिजनेस को ही बढ़ाने की है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई एग्जिट ले रहा है। आईपीओ में ये भी देख लेना, आपको कभी कभी जरूरी हो जाता है कि ऐसा तो नहीं कि कोई पैसा सिर्फ आईपीओ इसलिए आ रहा है कि किसी इन्वेस्टर को एग्जिट दिलाना हो, ये भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इनका जो पैसा है वो बेसिकली ऑपरेशन में यूज होगा। हाँ, ये ऑफर फॉर सेल है, ये देख लो आप, लगभग 27 लाख शेयर हैं जो कि वारी सस्टेनेबल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के हैं, फॉर्मली मतलब इस कंपनी के, जो पहले महावीर थर्मो प्राइवेट लिमिटेड बोली जाती थी, एक प्रमोटर एंटिटी है वो, और 4.5 लाख शेयर जो हैं वो भी प्रमोटर एंटिटी ही है मानो, तो ये लेकर आ रहे हैं अपना, ये अपने शेयर्स बेच रहे हैं, ठीक है। और फाइनल परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे कंपनी की, ये भी देख लो, 2023 मार्च 31 तक इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन था वो 6750 करोड़ का रहा है, जो कि पहले के हिसाब से काफ़ी बड़ा है, जो कि 2854 था। तो अगर देखो तो कंपनी की परफॉर्मेंस तो 22 के कंपनी में 23 में बहुत अच्छी हुई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखोगे तो लगभग 5 गुना बड़ा, लगभग 500 करोड़ पहुंचा, सिर्फ और सिर्फ 80 करोड़ के आसपास से, FY22 में लगभग 80 करोड़ के आसपास था, 79.6 करोड़, जो कि 500 करोड़ के आसपास पहुंचा 31 मार्च 2023 तक। तो अगर देखा जाए तो कंपनी के पास पॉजिटिव नेट कैश फ्लो भी है लगभग 642 करोड़ का, जो कि कैश रिजर्व के तौर पर है। तो ये बात आप देख रहे हैं, कंपनी के परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। एंड जिस तरीके का हालचाल आने वाले दिनों में हो सकता है, जैसे कि आप देख रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज का फ्यूचर परसेप्ट लोगों का अच्छा ही लग रहा है, उन्हें ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर और अच्छा सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, जैसे चलते इस सेक्टर के शेयर्स में भी आग लगी हुई है। कोई भी बस ये देखता है कि रिन्यूएबल एनर्जी की शेयर है, ये भी नहीं देख रहा है ठीक तरीके से देखा जाए तो कंपनी के हालचाल अच्छे हैं भी या नहीं है, या फिर यूं ही चल रहा है सब कुछ, लोग बस देखते हैं और बस हो रहा है जो हो रहा है। फिर भी बारी का तो हालचाल मैं तो कहूँगा फिर भी अच्छा है। अब एक कंपनी है, अभी मैं आपको उसके बारे में ही बताऊँगा, लेकिन पहले हमने कंपनी के बारे में देख लिया, लास्ट में अबाउट द कंपनी और देख लेते हैं। वारी एनर्जी इज अ पेरेंट एंटिटी ऑफ लिस्टेड वारी रिन्यूएबल, देखो यहाँ पर लिखा है क्लियरली, वारी रिन्यूएबल की पेरेंट कंपनी है, ठीक है। कमेंस ऑपरेशन इन 2007, फोकस ऑन सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग। द कंपनी एम टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी कॉस्ट इफेक्टिव सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन अक्रॉस ग्लोबल मार्केट कंट्रीब्यूटिंग टू द रिडक्शन ऑफ कार्बन फुटप्रिंट। तो मतलब वही है, कार्बन फुटप्रिंट कम करनी है, रिन्यूएबल एनर्जी से काम करना है, और 2007 में कंपनी बनी हुई है, पीवी मॉड्यूल वगैरह बनाती है, और इसकी एक सब्सिडरी कंपनी वारी रिन्यूएबल्स वो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। तो ये जो जितनी भी चीज़ें थी, जितनी भी डिटेल आज अभी अवेलेबल हैं मार्केट में, वो मैंने आपको दिखा दी है मनी कंट्रोल के हवाले से, ठीक है। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा था कि रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज के लोग आंखें बंद करके पीछे भाग रहे हैं, ऐसे ही एक कंपनी है बोरोसिल रिन्यूएबल। अगर आप बोरोसिल को देखोगे तो बोरोसिल के जो हालात हैं वो उतने भी बढ़िया दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन बस उसके पीछे बोरोसिल का नाम लगा, मतलब रिन्यूएबल लगा हुआ है, इसलिए लोग आंखें बंद करके खरीदते हैं और लोग फंस भी गए हैं। मैं तो ये कहूँगा कि बहुत अच्छे रिटर्न बोरोसिल ने बनाए है नहीं, और कंपनी के तौर पर उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है। तो बस जब कोई भी आईपीओ आए, कोई भी शेयर हो, सिर्फ इसलिए मत खरीदना कि उसके पीछे रिन्यूएबल लगा है, ठीक है। अगर आपको आईपीओ में लग रहा है, मैं तो कहूँगा चलो आईपीओ में तो फिर भी इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि खराब कभी कभी आईपीओ में लिस्टिंग मिल ही जाते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा मिल तो जाती है। ऐसा कोई आईपीओ लिस्ट नहीं हो रहा जो 50% नीचे खुल जाए, जैसे पेटीएम में ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन कंपनीज के तौर पर अगर हम शेयर के तौर पर अगर हम देखें तो सिर्फ रिन्यूअल देख के मत खरीदना कोई भी शेयर, देख लेना कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं, ठीक है। तो चलो उम्मीद है मैंने पूरी डिटेल अच्छे से कवर कर ली है और आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब दोस्तों मैं इस वीडियो को यही खत्म करूंगा, जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात है, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है बेसिकली, कि जो मेरा सेकंड चैनल है वेल्थ तक,
मैं चाहूँगा आप लोग ना उसे एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस पर वीडियोस थोड़ा सा अब मैं ज़्यादा करने वाला हूँ, हो सकता है इस पर वीडियोस थोड़ा सा कम हो जाए किसी रीजन्स के चलते। तो उसका लिंक मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में देने की, अदरवाइज आप यूट्यूब पर भी वेल तक टाइप करेंगे तो आप पहुँचेंगे, और उस पर मैं पर्टिकुलरली अलग अलग शेयर्स के ऊपर एनालिसिस वीडियो आपके लिए लेकर आने की सोच रहा हूँ। एंड फ्यूचर में हम लाइव स्ट्रीमिंग भी वहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, तो उस चैनल को आप ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब जो यहाँ पर तो आईपीओ वगैरह और म्यूचुअल फंड की वीडियो आएंगी, जो शेयर से रिलेटेड वीडियो हैं वो आपको अब उसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। थैंक यू।